नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने खेल के तीसरे दिन 365 रन पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड पर 160 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और पांचवें ही ओवर में इंग्लैंड टीम को अश्विन ने दो झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया था। इस ओवर के बाद मानो इंग्लैंड की टीम संभल ही नहीं पाई और लगातार अंतराल पर इंग्लैंड की टीम के विकेट गिरते चले गए। आपको बता दें, कप्तान जो रूट ने ओली पोप के साथ मिलकर एक छोटी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश भी की, लेकिन ज्यादा देर तक ये पार्टनरशिप चली नहीं। आपको बता दें, पारी के 25वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर एक शॉट खेलने की कोशिश में ओली पॉप पूरी तरीके से चूक गए और विकेटों के पीछे ऋषभ पंत का एक कमाल देखने को मिला। जी हां, अक्षर पटेल की गेंद पर ओली पॉप ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने टर्न लिया और पूरी तरीके से ओली पॉप गच्चा खा गए। गेंद विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई। पहली नजर में ऐसा लगा मानो ऋषभ पंत ने गेंद को मिस कर दी है, क्योंकि विकेटों पर मारने के बाद उनके हाथ में गेंद नहीं नजर आ रही थी। इसके अलावा गेंद को लपकने के दौरान भी ऋषभ पंत अपना बैलेंस गंवा चुके थे, लेकिन रिप्ले में साफ नजर आया कि ऋषभ पंत ने बेहद शानदार अंदाज में न सिर्फ पहले गेंद को लपका और विकेटों पर भी दे मारी थी। विकेटों पर मारने के बाद ही उनके हाथ से गेंद छूटी थी। ओली पॉप 31 गेंदों पर 15 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। ओली पॉप के रूप में इंग्लैंड टीम का पांचवा विकेट पारी के 25वें ओवर में गिरा, जब टीम का स्कोर केवल 65 रन था। आपको बता दें, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने जो रूट को वापस पवेलियन भेजकर इंग्लैंड टीम को छठा झटका पारी के 26वें ओवर में दे दिया, जब टीम का स्कोर केवल 65 रन था। साफ तौर पर इंग्लैंड एक बड़ी हार की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, 31 ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड टीम ने 83 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे, जहां अक्षर पटेल ने अब तक 3 विकेट, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट हासिल किए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।